आपको ये पता कैसे चला कि आपके अंदर ये फन है? ये बचपन में क्या चीज आपने आपको लोगों ने बताया? नहीं, मैं सुनता था जो काम कर रहा था यार ये रिदम जा रहा है या कोशिश कर रही है भैया, तो मैंने उससे अलग अलग अपने अब ये गाना क्या चलिए दुनिया दूसरे दूसरे बंदे ना बंदे था, उसमें मेरे फिर इंटरवल जो पीस है बात के पीस बात के होते हैं गाने के बाद यहाँ गाने को क्यों देना पकड़ना है, उसमें मेरे बेस गिटार पे जाएगी डम 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 चमकीला सर मैं थोड़ा ध्यान भेज रहा सदके दी सीढ़ियां चार पाए पहला जो काम आपसे हुआ बचपन में वो क्या हुआ था? मैं जब पढ़ता था मैं उसमें 1965 कराची में पैदा हुआ शेर शाह 15 साल का जब शब्द रहता पछपछा नहीं शब्द नहीं तुम्हें पता होना चाहिए कैनेडा में वो उसमें शब्द रहता था और 15 साल का जब रहा उसमें जब स्कूल में पढ़ने जाता था तो उधर काफी होते थे जागरूक मृत्यु के बारे में ये मुझे वहाँ से आदत पड़ी तो मोहल्ले में मांगने वाला गया तो उसके पीछे में जरा लगी यही कैसे मांग रहे हैं ऐसे मैंने फॉलो करना शुरू किया सर आशा तो फिर अगर मेरे ये रिजल्ट के साथ यही है तो आज फिर आज मैं फिर आप लोगों से सीखने आया आज मेरा फिर पहला दिन सीखने का अमल जो है ना वो आपका जन्म है नहीं सर डॉक्टर आप सबको नंबर के सारे खड़े होकर को पीछे ये मेरे साथ ही ग्रैबिंग मिल जाती है वही सब कुछ मैं आज भी कुछ नहीं हूँ कल भी कुछ नहीं था मेरे साथ ही सब कुछ शुक्रिया पार्टनरी साहब के जो है परफॉर्मेंस के हम भी है तो बच्चों ये कोई आसान काम नहीं है जिस्मानी तौर पर भी जिंदगी तौर पर भी ये बड़ा मुश्किल काम है ये एक आर्ट है और यहाँ पे उन्होंने हमारी मोहब्बत में जो है बगैर कमर्शलिज्म की जो परफॉर्मेंस दी है खात्मा हुआ इसमें हमारे खास मेहमान थे नवीद रजा साहब ये भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जिस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं अपना पैसा लगा के कोई आसान काम नहीं है ये कोई वही दिल वाला इंसान ही जो है वो कर सकता है सैयद मोहसिन अली साहब जो है जो हमारा बहुत बड़ा नाम है थिएटर के हवाले से भी एक्टिंग के हवाले से और आम जिंदगी में भी बड़े ही जो है ये एक्टिव हैं फ़ाल हैं गफार लहरी साहब थे जिनकी परफॉर्मेंस आपने बड़े शौक से देखी और सुनी तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि अगर सेशन का आगाज़ जो है वो करने लगे हैं हमारे खास बहुत ही खास मेहमान जो है वो तशरीफ़ रखते हैं इनका तारुफ और इनकी जो प्रेजेंटेशन के सिलसिले में बतावत दूंगी जब साई साहब को वो तशरीफ लाएँ तो ये प्रोफेसर साहब हमारे जब पहले भी आ चुके हैं मेरा ना नाम नहीं दे रहे हैं थोड़ा मोबाइल भी देखता था तो मुझे नाम मिला तो मुझे बड़ा खुशी हुई आपको देखे और चक्करगढ़ में तकरीबन स्कीम के नहीं 1000 से ज़्यादा खड़ा थे और जितने अंदर हाल में बैठे थे उतने बाहर खड़े थे
और वो इतनी बड़ी तंजीम है और मुझे पता चला कि महमूद गदरी साहब उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उन्होंने खुद बताया। तो प्रोफेसर जनाब फैसल साहब पहले भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, ये मरकजी सदर इस्लामी जमहूरी इतिहाद हम उनको शामिल दे रहे हैं अपने जारिया को मैं इस्तेमाल कीजिए प्रोफेसर जनाब फैसल। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد میں سب سے پہلے چغتائی صاحب ان کی پوری ٹیم اسکاؤٹس آپ تمام بچوں کو اور جو یہاں مہمانان گرامی موجود ہیں ان سب کا بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ اتنی خوبصورت بزم کا آپ نے یہ اہتمام کیا۔ یقینی طور پر ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو ہماری ریاست کو اس طرح کی چیزوں کی اس طرح کے کاموں کی ضرورت ہے اور اس کا بنیادی مقصد جب میں نے آپ کو دیکھا آپ کی ایکٹیویٹی کو دیکھا جس طرح آپ اسکاؤٹس ایک میڈیکل ایکٹیویٹی کر رہے تھے ریسکیو کر رہے تھے یقینی طور پہ یہ بہت بڑا کام ہے لیکن میں یہاں پر آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ کبھی خیال نہیں کرنا کہ آپ کم ہیں، آپ ایک چھوٹی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ یہ یاد رکھیں سب سے بڑی چیز اگر کسی انسان میں ہے اس کا عزم ہوتا ہے اور جب آپ کے اندر عزم ہے تو دنیا میں آپ ہر کام کر لیں گے، ہر طوفان کا مقابلہ کریں گے۔ اور جیسے لیری صاحب کو ہم نے دیکھا یقیناً ایک اچھا تاثر ملا کہ ہمارے ملک کا جو ٹیلنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے آرٹسٹ ہیں جن میں جناب نوید رضا صاحب ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی بتایا ہمارے ملک کے آرٹسٹ کو پیسوں سے زیادہ اپریسیشن کی ضرورت ہے اور یہ حقیقتاً حقدار ہے۔ لیکن میں ان کو اپنی پارٹی کے بہاف پہ تمام طرح کی سپورٹس کا یقین دلاتا ہوں، چاہے وہ مورلی ہو، ایتھیکل ہو، فائنانشل ہو، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم نے ایک محمود غزنوی صاحب جو ہے چیئرمین قومی کمیٹی پاکستان ہم نے مل کے پروگرام ڈیزائن کیا کہ جس طرح ترکی نے ڈرامہ بنایا تھا ارطغرل، ہم بھی کوئی صلاح الدین ایوبی پہ ڈرامہ بنائیں، ہم بھی کوئی اس طرح کا کام کریں جس سے ہم نہ صرف ایک اچھوتا کانسیپٹ دیں اپنے مذہب کا، اپنے اسلام کا، اور ہم بتا دیں اسلام جو ہے، چونکہ یہ محرم ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تو اس حرمت والے مہینے کے اوپر اللہ پاک نے بڑے کام کیے ہیں اس دنیا میں۔ مطلب صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہوا وہ تو بڑا ہی افسوسناک ہے اور بڑا غمگین کرنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اس دن کے حوالے سے کافی معاملات ہوئے۔ لیکن میں آپ اس میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس قوم کا سرمایہ ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اس قوم کا مستقبل ہے، جو آپ میری طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بات کا احساس دلانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور جو مسائل ہمیں اپنی انڈسٹری کے حوالے سے پتہ چلا، لیکن ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ صرف اس کنڈیشن پر ہوگی جب ہم اپنے کلچر کا، اپنی سولیزیشن کا اور اپنی اقدار کو بتا سکیں کہ ہم کیا ہیں۔ آج دیکھیں ارطغرل ڈرامہ جو ہے تاریخ اتنی پرانی ہے لیکن پوری دنیا میں ہائی ریٹنگ پہ گیا، آپ لوگ گواہ ہیں۔ ہمیں ہر وقت ایک نیا سبجیکٹ چاہیے ہوگا، ہمیں ہر وقت ایک نیا موضوع چاہیے ہوگا اور وہ موضوع کردار کے اوپر مبنی ہو، نہ کہ فحاشی پہ مبنی ہو۔ دیکھیں ہم بھی بچے ہوا کرتے تھے، کبھی آپ کی طرح ہمیں یاد ہے اس وقت ڈرامے ایسے ہوتے تھے، موویز ہوتی تھی، بیٹھ کے دیکھی جا سکتی تھی، آج وہ تاثر نہیں رہا۔ لیکن آج بھی جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ مثبت چیزوں کو، کردار کو پسند کرتی ہے، ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے، کوالٹی کو پسند کرتی ہے۔ تو کوالٹی جس چیز میں پیدا ہو جائے گی اس چیز کے اندر نکھار آ جائے گا۔ اور ہمیں یہ کرنا ہوگا خود کے لیے نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کے لیے کرنا ہوگا، اپنی ریاست کے لیے کرنا ہوگا، ہمیں یہ امیج دنیا کو دینا ہوگا کہ ہماری اپنی ثقافت ہے۔ ہم تو آج تک اس چیز کو ہم آج تک
इस चीज को समझ नहीं सके, बता नहीं सके हमारी सकाफत क्या है, हम हर रंग में रंग जाने वाले लोग क्यों हैं। हमारी अपनी सकाफत है, हमारी अपनी पहचान है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये बात याद रखें, हर शख्स को अप्रिशिएट करें, नाराजगियों को खत्म करें, कबूल करें दूसरे को, और तनकीद करें बराए इस्लाह एक दूसरे की। और चूंकि मुहर्रम के हवाले से है, मैं आपको एक वाक्य सुनाने लगा हूँ सुलह के हवाले से। सुलह को हम पसंद नहीं करते, लफ्जों की आता है, हमें दिल से सुलह को पसंद करना होगा। सुलह को आजकल एक बैन अवी दुनिया जो है तरक्की याफ्ता दुनिया में फॉर गिविंग थेरेपी के नाम से याद किया जाता है। एक थेरेपी है जिससे आपको परेशानी है, जिससे आपको बेजारी है, जिसके ऊपर आप खफा हैं या जिससे आप फारिग हैं। ये दो लफ्जों पर हमारी आपस में बड़ी बहस तकरार हो चुकी है, बड़ी मुसीबत। आप रात को सोने से पहले माफ कर दिया, और जब आप माफ करना सीखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई रोशनी कर रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है कि माफ कर दिया। इमाम हसन और हुसैन रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाईन दो भाई थे, और मुकाम आपको पता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में नौजवानों के सरदार। दोनों में झगड़ा हो गया किसी बात पर, इमाम हसन बड़े हैं और हुसैन छोटे। हुसैन ने पैगाम भेजा इमाम हसन को, जी मेरे घर है। अब होता है इमाम हमारे जैसा शाह साहब, हम कहते हैं जरूरत कैसे की, वो बड़े भी बुला लिया इन्होंने, लेकिन ईमान हमारे जैसे रखी हम उसी ने कहना ईमान था पुख्तगी थी। खैर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ने पैगाम भेजा अपने बड़े भाई को, जी मेरे घर पे शरीफ है। बड़े भाई घर गए, दस्तक दी और पूछा, तू छोटा था हुसैन, तुझे नहीं चाहिए था, तू आता, तुमने मुझे बुला लिया। कहता है अपने नारा जान की हदीस नहीं सुनी। और पूछा, जी क्या? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पहले सुलह करने आएगा वो पहले जन्नत में जाएगा। मैं कैसे गवारा करता मेरा बड़ा भाई मुझसे बाद में जाए, मैं पहले जन्नत में चला जाऊं। आज हमें जरूरत गमगीन होने से ज्यादा फिक्रे हुसैन की होनी चाहिए। वो क्या फिक्र थी? आज हमने सिर्फ, मैं ये समझता हूं और अच्छी बात कहना भी सदका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छी बात का कहना भी सदका। हमें अपने अंदर स्पिरिट पैदा करना, ये बात याद रखनी। जैसे लहरी साहब को हमने देखा, गो के बात बड़ी आम सी लगती है और अगर थोड़ा सा तनकीदी नुकता देखे तो बंदा कहेगा यार ये क्या कर रहा है, लेकिन उस बंदे ने जिंदगी का आर्ट के ऊपर लगा दी, मुस्बत मनफी हुए अलग इशू है आर्ट पर लगा दी, और यहाँ पर खड़े होकर कई चीज़ों की मिमिक्री कर दी, और यूं ही लगा जैसे जो ये कर रहे हैं वो नजर आ रहा है, जो ये कर रहे हैं वो नजर आ रहा है। देखिए अपने कौम के एहसासों की फिक्र करें,